जब भी मैं शो कुंडली भाग्य देखती हूँ ना और प्रीता और शौर्य को एक साथ देखती हूँ, ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। कितने प्यारे होते हैं इन दोनों के सीन्स। लेकिन कितना मजा आएगा ना जब एक्चुअली पता लगेगा कि शौर्य तो है प्रीता का ही बेटा। तो क्या कुछ हो रहा है कहानी में, लेकर चलते हैं आपको फटाफट कुंडली भाग्य के सेट पर। माही की सिरफिरी आशिकी, राजवीर संग लिपटा लिपटी, पूरी हुई माही की तमन्ना। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग में माही राजवीर से प्यार कर बैठी है और वो तो बस सिर्फ बहाना ढूंढ रही है राजवीर संग अकेले वक्त बिताने का, और इसीलिए तो उसने तोड़ दी है बाथरूम की कुंडी और बुला लिया है राजवीर को उसे रिपेयर करने के लिए। और देखिए कैसे बहाना करके उसने दरवाजा भी बंद कर दिया जो बाहर से हो गया है लॉक। और फिर शुरू हो गया माही का ड्रामा राजवीर से चिपकने का, वो भी बहाने मार कर। यू नो व्हाट आई थिंक राजवीर, तुम्हें ना इसे पूरा बंद कर देना चाहिए और फिर स्क्रू ड्राइवर से ट्राई करना चाहिए, देखना हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तुम बंद करो ना इसे, पूरा बंद कर। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? नहीं खुल रहा है? नहीं खुल ही रहा है। अरे ये अटक गया क्या कहीं पे? अटक गया मतलब हम फंस गए, हम अंदर दोनों फंस गए, अब ये नहीं खुलेगा। लाज भी निकल रही है, कैसे खोलूं मैं? डेफिनेटली राजवीर अपनी आवाज़ लगा ही रहा है और हेल्प मांग रहा है बाहर। तो अभी पूरी फैमिली बाहर है ऑलरेडी, वहाँ पर घर पे संगीत का सॉरी अपना सगाई का माहौल है, तो फैमिली मेम्बर्स बाहर ही है, लेकिन कोई ना कोई आके ज़रूर हेल्प कर देगा और हम लोग को यहाँ से बाहर निकालेगा। भाई माही का डर डर कर बुरा हाल भले ही ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ राजवीर का दिल बैठा जा रहा है क्योंकि माही उससे पीछे नहीं हट रही। इतना ही नहीं, वो तो उससे चिपक कर खड़ी है और दूर हटने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में बेचारा राजवीर क्या ही करे, वो अपने घर वालों को मदद के लिए पुकार रहा है। अरे कोई है बाहर? अरे हम अटक गए, दरवाजा खोल। आंटी आंटी मैं अंदर आया था, वो लाच ठीक करने के लिए, बाथरूम की लाच खराब हो गई थी ना, अब वो लाच मेरे हाथ में आ गई और निकल गई, अब मैं दरवाजा खोल नहीं पा रहा हूँ। आंटी आपको ना दरवाजा बाहर से खोलना पड़ेगा, ये बाहर से ही खुलेगा, आप खोल दीजिए ना आंटी प्लीज, मैं अटक गया हूँ अंदर। गुरप्रीति प्रीता जी जल्दी आओ। तुम्हारी मॉम भी ना। क्या हुआ दर्जी जी? दर्जी जी बोले ये दरवाजा फंस गया है, जरा धक्का देने में मदद करो ना मेरी। अरे आंटी आपसे अकेले से दरवाजा नहीं खोल रहा है, क्या कर रहे हैं आंटी आप, प्लीज खोलिए। राजवीर तू अंदर कैसे पैक हो गया? दर्जी बोला ओ जी ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था, दोनों बच्चे अंदर गए तो गए कैसे, इसीलिए आपको बुलाया है। प्रीता जी अपनी आंखों से देख लो आपका भांजा क्या कर रहा है, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था, दोनों बच्चे अंदर कैसे फंस गए, इसलिए आपको बुलाया जी, अपनी आंखों से देख लो आपका भांजा क्या कर रहा है। राजवंती दर्जी जी मेरा राजवीर बाकी लड़कों जैसा नहीं है। कुछ भी माँ आप क्या सोच रही हो? डेफिनेटली माही ऐसे बिहेव कर रही है और राजवीर नोटिस कर रहा है कि माही बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करती है हमेशा,
ये वापस से ऐसा एक सिचुएशन बन गया है जहाँ पर राजवीर को फिर से ऐसा लगता है कि माही थोड़ा ऑफ जा रही है, मतलब ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है। तो वो बार बार माही को बोलता भी है कि तुम ना थोड़ी अजीब हो, तुम्हारी हरकतें थोड़ी अजीब है, तुम नॉर्मल नहीं हो। भाई माही तो राजवीर के प्यार की दीवानी है, वो अपनी हरकतों से बाज थोड़ी ना आएगी। जैसे ही दरवाजा खुला तो देखिए कैसे राजवीर दुम दबा के भाग निकला, वो भी माही के डर से। अब देखना होगा कि राजवीर माही के प्यार से कैसे बचेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।